विवाहित होने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि एक महिला सपने देखना बंद कर दे। मैं हर उस सोच को बदलना चाहती हूँ जो एक विवाहित महिला को सिर्फ चूल्हे चौके बच्चों की परवरिश तक सीमित देखना चाहती है। इस एक जवाब ने न्यू जेल रोड भोपाल निवासी जसविंदर कौर को जीरो फिगर कैटेगरी में ग्लैमान मिसेज इंडिया 2023 का अवार्ड दिलाया। यही नहीं, उन्हें बेस्ट स्माइल, बेस्ट फोटोजेनिक फेस और बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड भी मिला है। जसविंदर का इरादा फिल्मों में भाग्य आजमाने का है। वह एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से है और पूर्व में एयरलाइंस केबिन क्रू स्टाफ मेंबर रह चुकी है। ग्लैमॉन इंडिया ब्यूटी पेजेंट 2023 सीजन 8 की प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में दुबई के एक भव्य होटल बही अजमान पैलेस में रखा गया था। प्रतियोगिता के लिए चयन की प्रक्रिया करीब 6 माह पहले शुरू की गई थी। इसमें भारत से 43 प्रतिभागी चुने गए, जिसमें से जीरो फिगर कैटेगरी में जसविंदर कौर ने ग्लैमॉन मिसेज इंडिया 2023 का ताज जीता। भोपाल पहुंचने पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उनका सम्मान किया। जीत की तो सबको खुशी होती है, तो बहुत खुशी हो रही है। और क्या डिफिकल्टीज आई थी, तो बहुत डिफिकल्टीज आई थी, क्योंकि सक्सेस ऐसे ही हासिल नहीं होती है, और अगर ऐसे हासिल हो जाती है तो आप उसको बयान नहीं कर पाते। तो मेहनत भी बहुत करी थी और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ था, तो हर टाइम ये लगा रहता था कि मैं अपने आप को कहाँ इम्प्रूव करूँ। तो एवरी डे ना सो पाती थी ना जाग पाती थी, तो यही सोचती रहती थी जब मैं कॉम्पिटिटर्स को देखती थी कि मुझे अपने आप को और कैसे ग्रो करना है। तो मैं एवरी डे अपने आप को कहीं ना कहीं पॉलिश करती थी, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे मेंटोर्स थे जो हेल्प करते थे। मैम की भी बहुत हेल्प थी, जिसमें हमें एवरी डे मैम हर एक पार्टिसिपेंट से इंडिविजुअली बात करती थी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहां पे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। और मैं सारी लड़कियों से यही कहना चाहूंगी आगे जाके कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको अपने आप को प्रूफ करना है तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी, चाहे अपने आप से चाहे अपनों से। मेरी फैमिली हमेशा से ही सपोर्टिव रही है, और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि एक टाइम पे ये जो ड्रीम है मैं भूल चुकी थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला तुम शायद ये करना चाहती थी तो फिर से ट्राई करो। तो फिर वैसे ही मैंने अपनी जर्नी ऑनलाइन से स्टार्ट करी, फिर सारे कोऑर्डिनेटर से बात करी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिली और फिर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।